सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अमन सिंह, सेकंड पॉफ एमबीबीएस स्टूडेंट एट केजेएमयू लखनऊ। तो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से मैंने आज लिया है टाइप्स ऑफ रिएक्शन। इसमें मैंने आज लिया है आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, ठीक है, ऑल डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शंस इन योर एनसीईआरटी, ठीक है, आपके एनसीईआरटी 11th में, 12th में, जितने भी आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन जानने चाहिए, जितने आपके सिलेबस में है, नॉट अ सिंगल रिएक्शन इज आउट ऑफ सिलेबस, ठीक है। मेरे लेक्चर में आपको कुछ भी एनसीईआरटी के बाहर नहीं मिलेगा, ठीक है, ना मैं पढ़ा था एनसीईआरटी के बाहर, ठीक है, मैंने भी कोचिंग की है, लेक्चर इंस्टीट्यूट में पढ़ा है, लेक्चर अटेंड की है, ऑनलाइन भी पढ़ा है। तो उसमें क्या है कि काफ़ी सारे टीचर मेरे को ऐसे मिलते थे, मतलब कहीं पे इतना परफेक्ट नहीं था कोई भी चीज़ कि हर चीज़ जो है सिर्फ एनसीईआरटी से हो और एनसीईआरटी की सारी चीज़ें हों, है ना। तो इसीलिए मैं यहाँ पे चीज़ों को करा रहा हूँ, क्योंकि जो चीज़ मुझे नहीं मिली और मैंने मेहनत से उनको कलेक्ट किया, वो चीज़ आपको मैं डिलीवर कर सकूँ और आपके लिए चीज़ें आसान हो। कोई भी चीज़ एनसीईआरटी के बाहर की नहीं मिलेगी, और कोई भी चीज़, मतलब कोशिश यही रहती है मेरी कि एनसीईआरटी से जितनी चीज़ें आपको बताई जा सके वो सारी बता दूँ, ठीक है। सारी चीज़ों को कवर किया था मैंने, उसमें भी अभी भी मैं कुछ कुछ चीज़ें ऐड करता रहता हूँ और वो चीज़ आपको बताते रहता हूँ। तो एनसीईआरटी 11th 12th इनऑर्गेनिक ऑर्गेनिक हर जगह पे, जहाँ जहाँ आपको डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जो जो आपको जानने चाहिए, वो यहाँ पे एक जगह में कर दे रहा हूँ। तो यहाँ पे वही सब बातें लिखी हुई हैं कि एनसीईआरटी के पॉइंट्स हैं, चार्ट, समरी, ये सब चीज़ें वही वाली सीरीज का है जो इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री के 5-6 वीडियो चैनल पे ऑलरेडी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री वाले प्लेलिस्ट में पड़े हुए हैं। वहाँ पे भी मैंने 15-20 पॉइंट डिस्कस किए हैं, ठीक है, हेडिंग के अंदर काफ़ी सारे पॉइंट्स को डिस्कस किया है मैंने। आप उतना पढ़ लो, आपके लिए बहुत बहुत ज़्यादा है वो सब चीज़ें, है ना, सिर्फ एनसीईआरटी की है। तो ये सब वही चीज़ें हैं कि बिखरे हुए टॉपिक को मैंने वहाँ पे कलेक्ट किया हुआ है ना, से एक तरीके के रिएक्शन को एक जगह किया है मैंने, ठीक है, वहाँ पे तो नहीं, अब यहाँ से शुरू कर रहे हैं एक तरीके का रिएक्शन, जैसे कि डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन से शुरू कर रहे हैं, ठीक है। क्वेश्चन कुछ मैंने बनाए हैं, वो सब भी अभी कराना है, ठीक है, ठीक है। तो ज़्यादातर चीज़ें वही हैं जो आपको अननोटिस्ड है, तो यहाँ से हम लोग अपना रिएक्शन आज का शुरू करते हैं लेक्चर। तो देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन में अभी आप जब वीडियो देखोगे पूरा, तो आपको पता चलेगा कि मैंने कहाँ कहाँ से रिएक्शन को कलेक्ट किया है, रेडॉक्स से, पी ब्लॉक से, डीएफ ब्लॉक से, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री से, हर जगह से कलेक्ट किया है, एग्जांपल से, इंटेक्स्ट क्वेश्चन से, है ना, एक्सरसाइज से, हर जगह से रिएक्शन को कलेक्ट किया है। तो सारे रिएक्शन एक जगह हैं आपके, तो यहाँ से आपको चीज़ें आसान हो जाएंगी। तो देखो, डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन की यदि मैं बात करूँ, तो ये सोच बाय इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट, ये सबको पता है, ठीक है। कोई भी मॉलिक्यूल है उसका एक, मतलब कि मिनिमम ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, लोएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट होगा, इन दोनों के बीच के जो इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है वो जो है आपके डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करते हैं। अब इतना क्लियर कट एनसीईआरटी ने तो कहीं नहीं लिखा है, ठीक है, उसने एक हेडिंग देख के तो चीज़ों को नहीं समझाया है, लेकिन वही मेरा काम है कि आपको आसान करना। तो देखो, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट और लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट के बीच का जो ये इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, यही आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन शो करता है। एनसीईआरटी ने अच्छे से तो नहीं समझाया, लेकिन एक जगह इन्होंने क्या समझाया है, डी ब्लॉक में इन्होंने एग्जाम्पल एक दिया है, वहां पे इन्होंने सॉल्यूशन में चीज़ों को लिखा हुआ है कि वेन अ पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट बिकम लेस स्टेबल रिलेटिव टू अदर ऑक्सीडेशन स्टेट, वन लोअर एंड वन हायर, ठीक है, अदर मतलब कि एक लोअर और एक हायर से जब पर्टिकुलर ऑक्सीडेशन स्टेट कम स्टेबल है रिलेटिव टू लोअर वन एंड हायर वन, इट इज सेड टू अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन। ये एनसीईआरटी की लाइन है, तो ये असर्शन रीजन में या फिर स्टेटमेंट में इस तरीके से लिख सकता है, तो आप इसको अच्छे से ध्यान देंगे, ठीक है। अब यहां से मैं बात करूं वो सारे रिएक्शन की जो आपको जाननी चाहिए, जो आपके एनसीईआरटी में है, तो सबसे पहले आपका स्टार्ट होता है रेडॉक्स रिएक्शन में, जो हेडिंग के अंदर आपको ढेर सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिए हुए हैं। कौन कौन से हैं भाई? तो पहला तो आपको ये पता ही है कि हाइड्रोजन परऑक्साइड डिस्प्रोपोर्शनेट होता है वाटर में और ऑक्सीजन में, तो एक रिएक्शन आपको ये याद रखना है, है ना। उसके बाद ये रिएक्शन है आपका P4 in the presence of बेस, ठीक है। ये देखो, ये रेडॉक्स में इस तरीके से लिखा है, P4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, मतलब कि हाइड्रोक्साइड आयन वाटर के प्रेजेंस में, ये PH3 दे रहा है और H2PO2- दे रहा है, ठीक है। तो देखो, ये यहां पे ऐसे लिखा है, P4 का ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होगा, जीरो, थोड़ा सा इसको लिखे, जीरो, ठीक है। ये किसमें जा रहा है, -3 में जा रहा है, हाइड्रोजन का +1, तो इसका कितना -3 इसमें जा रहा है, और उसके बाद इसमें कितना जा रहा है, 4, इसको ऐसे कैलकुलेट कर लो, x-4+2=-1, x-2=-1, x=-1 +2, यानी कि +1, ठीक है। तो ये किस में जा रहा है, -3 और +1 में, एक बार देख लेना आप इसको कि ये सही कैलकुलेट किया हूँ या नहीं, ठीक है। तो ये क्या है कि ये डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है फास्फोरस, मतलब कि प्योर फास्फोरस P4 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस। तो रेडॉक्स में तो इस रिएक्शन को इसने आयनिक फॉर्म में लिखा है, पी ब्लॉक में इसने कैसे लिखा है कि P4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH,
ठीक है, ये रिएक्शन आप पढ़ते हो, इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर इट विल गिव PH3 प्लस NaH2PO2, ठीक है, NaH2PO2, ये आपका पी ब्लॉक में दिया हुआ है, ये आपका पी ब्लॉक में दिया हुआ है। तो ये रिएक्शन वहां पे पता नहीं शायद मेंशन किया है कि नहीं किया है पी ब्लॉक में, लेकिन ये वहां पे दिया हुआ है। यदि मैं आपको दिखाऊं तो यहाँ पे देखो, ये जो फॉस्फीन का प्रिपरेशन दिया हुआ है, यहाँ पे इसने डिस्प्रोपोर्शनेशन लिखा तो नहीं है, लेकिन यही रिएक्शन वहाँ पे डिस्प्रोपोर्शनेशन में आपको दिया हुआ है रिडॉक्स रिएक्शन में, कि ये जो है आपका P4 इन द प्रेजेंस ऑफ मार्कर P4 इन द प्रेजेंस ऑफ NaOH इट विल गिव इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर गिव PH3 एंड NaH2PO2, जिसका नाम भी आपको याद रखना है, कौन सा, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है, सोडियम हाइपोफॉस्फाइट। अब हम चलते हैं अपने लेक्चर पे, तो ये हो गया आपका सोडियम हाइपोफॉस्फाइट, ठीक है। तो ये दोनों प्रोडक्ट आपको याद रखने हैं। इसके बाद आपको पी ब्लॉक में तो नहीं दिया है, यहाँ पे दिया है कि सल्फर, देखो P4 हो गया, एसेट हो गया, फास्फोरस हो गया, सल्फर हो गया, ये बेस के प्रेजेंस में आपका H2- मतलब सल्फाइड आयन, H2O32- और वाटर देता है, ठीक। इसके बाद आपके ये तीनों रिएक्शन दिए हुए हैं, कौन कौन से, हैलाइड वाले, हैलोजन वाले, ठीक है। देखो हो क्या रहा है, हो क्या रहा है कि चाहे आपका फास्फोरस हो प्योर, चाहे सल्फर एसेट हो, चाहे क्लोरीन हो, ब्रोमीन हो, आयोडीन हो, ये लोग बेस के प्रेजेंस में, बेस के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहे हैं, ठीक है, ये लोग बेस के प्रेजेंस में डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहे हैं। तो ये जैसे कि आपका क्लोरीन है, ये बेस के प्रेजेंस में ClO-, ठीक है, हाइपोक्लोराइड बोलते हैं इसको, हाइपोक्लोराइड, देख लेना एक बार। उसके बाद क्लोराइड आयन और H2O वाटर में टूट जा रहा है। ये रिएक्शन आपको पी ब्लॉक में भी दी हुई है कि जो आपका क्लोरीन होता है, एक रिएक्शन है ना इसमें पी ब्लॉक में, ऐसे जो आपका क्लोरीन होता है, ये इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH एंड कोल्ड एंड डाइल्यूट NaOH, ये रिएक्शन आपको दिया हुआ है। इसमें क्या बनता है, दोनों केस में पहले तो NaCl बनता है, उसके बाद ये हॉट वाले में NaClO3 बनता है, क्योंकि हॉट है तो ज्यादा ऑक्सीजन ले लो, ऐसे याद कर लो, और इसमें NaClO बनता है, NaOCl या NaClO, ऐसे करके याद कर लो, ठीक है। तो ये जो आपका रिएक्शन दिया हुआ है, इसमें से ये वाला जो रिएक्शन है आपको, ये वाला जो रिएक्शन है कोल्ड एंड डाइल्यूट वाला, इसमें क्या बन रहा है, Cl- और OCl-, ठीक है, ये दोनों जो है, इन क्लोरीन जा रहा है ना Cl2 इन द प्रेजेंस ऑफ बेस, ठीक, ये बन रहा है इसमें। तो ये आपका डिस्प्रोपोर्शनेशन है, ये आपका रिडॉक्स रिएक्शन में दिया है कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ बेस Cl- प्लस Cl- प्लस H2O, जिसमें कि जो आपका Cl- है वो कलर को ऑक्सीडाइज कर देता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है, ठीक है, कलर बियरिंग एजेंट जो है उनको ऑक्सीडाइज कर देता है और ब्लीचिंग एजेंट की तरह काम करता है। उसके बाद इसका जो ये वाला रिएक्शन है, कौन सा, ये वाला, एक तो ये हो गया हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH, जो कि NaClO3 और NaCl बन रहा है, ये आपका पी ब्लॉक में दिया हुआ है, ये आपका पी ब्लॉक में दिया हुआ है कि क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, क्लोरीन इन द प्रेजेंस ऑफ हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन NaCl, NaClO3 और H2O, तो ये भी डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, ठीक है, ठीक है। तो अब आते हैं वापस अपने पहले वाले पेज पे। उसके बाद रेडॉक्स में ही आपका लिखा है कि ब्रोमीन और आयोडीन क्लोरीन की ही तरह बेस से रिएक्ट करके, जैसे ये ClO-Cl- वाटर दे रहा था, वैसे ये BrO-Br- वाटर और IO-I- और वाटर, ठीक। तो ये हेलोजन के तीनों, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं इन द प्रेजेंस ऑफ अल्कली, ठीक। उसके बाद लिखा है कि फ्लोरीन, इसके बाद एक लाइन आपको यहां से ये याद रखनी चाहिए, जो कि आपका असर्शन रीजन या स्टेटमेंट में अच्छे से पूछ सकता है, कि फ्लोरीन डू नॉट, मतलब फ्लोरीन रिएक्ट करता है अल्कली से, तो इसमें ये नहीं बनता है, ठीक है। फ्लोराइड आयन तो बन रहा है, जैसे यहाँ पे क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड बना, वैसे यहाँ फ्लोराइड तो बन रहा है, लेकिन ये OF2 बना रहा है, ठीक है, और वाटर तो बना ही रहा है। तो ये क्या है कि दिस इज नॉट ए डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। तो आपको ये याद रखना है कि अमोंग हेलोजन्स फ्लोरीन डू नॉट अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन विथ बेस या अल्कली, वेयर इज क्लोरीन, ब्रोमीन एंड आयोडीन अंडरगोज द डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन। एकदम बेस्ट क्वेश्चन है असर्शन रीजन या स्टेटमेंट के लिए, ठीक। इसके बाद ये वाला रिएक्शन आपको याद होगा, जो लोग पी ब्लॉक पढ़े होंगे पूरा, उनको ये रिएक्शन अच्छे से याद होगा, अच्छे से याद कराई जाती है, और मैंने काफ़ी आसानी से इसलिए याद किया था कि दोनों में मैंने पहले NaCl बनाया, फिर जो ज़्यादा मतलब कंसेंट्रेटेड या ज़्यादा स्ट्रॉन्ग था उसके साथ तीन ऑक्सीजन लगाएं, जो कम था उसके साथ एक ऑक्सीजन लगाएं, NaClO, NaClO3, और दोनों के दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, दोनों के दोनों डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है, जो कि ये वाला रिडॉक्स में दिया है और ये वाला पी ब्लॉक में दिया है, मतलब ये वाला रेडॉक्स में दिया है और ये वाला पी ब्लॉक में दिया है। इसके बाद बात करें तो रेडॉक्स के इंटेक्स्ट क्वेश्चन में आपको एक रिएक्शन दिया हुआ है कि NO2, इंटेक्स्ट क्वेश्चन में एक रिएक्शन दिया हुआ है कि NO2 भी बेस के प्रेजेंस में NO2- NO3- और वाटर में
मतलब कि प्रोडक्ट दे रहा है और ये एक डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। ठीक, मेरे पूरे पीडीएफ में शायद आपको यही वाली जो रिएक्शन है जो यहाँ पे अच्छे से मैंने लिखा है कि दिस इज नॉट डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन, बस यही है, बाकी सारे डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन मैंने यहाँ पे लिए हैं। उसके बाद एक्सरसाइज में आपका जो एक्सरसाइज है एनसीईआरटी का रिडॉक्स वाला, वहाँ पे ये वाला दिया हुआ है कि मैग्नीज 3 प्लस कन्वर्ट होता है मैग्नीज 2 प्लस में और MnO2 और H प्लस। ठीक है, ये एक रिएक्शन है मैग्नीज प्लस 3 से आपका प्लस 2 में जा रहा है और यहाँ पे कितने में जा रहा है, प्लस 4 में जा रहा है। ठीक है, प्लस 3 इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये प्लस 2 और प्लस 4 में जा रहा है, डिस्प्रोपोर्शनेट हो रहा है। ये एक रिएक्शन दिया हुआ है एक्सरसाइज में। अब देखो आप, मैं कहाँ कहाँ से रिएक्शन को कलेक्ट किया हूँ, है ना। इसके बाद एनसीईआरटी मतलब एनसीईआरटी से ही ये बातें हैं जो आपको जाननी चाहिए कि सर्टेन मेटल्स, ये तो आपके नॉन मेटल की बात हो गई यहाँ से लेके यहाँ तक, ये सारे फास्फोरस एसेट सल्फर क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन फ्लोरीन नहीं करता है, ठीक है। उसके बाद NO2, ये सब नॉन मेटल्स की बात हो गई। मेटल में एक तो ये हो गया जो कि मैं यहाँ पे वापस से लिखा हूँ, ठीक है, एक जगह कलेक्ट करने के लिए। मेटल में एक तो ये हो गया जो भी ऊपर में बताया ये वाला, उसके अलावा कॉपर प्लस जो है आपका, कॉपर प्लस जो है आपका, ये कॉपर 2 प्लस और कॉपर में कन्वर्ट हो जाता है एक्वस सॉल्यूशन में। अब ये रिएक्शन आपको जाननी चाहिए रेडॉक्स से भी, और ये रिएक्शन आपको डी ब्लॉक में दी हुई है, ये रिएक्शन आपको डी ब्लॉक में दी हुई है कि कॉपर प्लस वन जो है, कॉपर प्लस वन जो है ये अनस्टेबल है एक्वस सॉल्यूशन में, ठीक है, इसीलिए ये टूट जाता है। डी ब्लॉक में ये बातें लिखी हुई है, इसीलिए टूट जाता है कॉपर प्लस वन जो है, कॉपर प्लस वन जो है ये टूट जाता है कॉपर प्लस टू में और कॉपर में, ठीक है, प्लस वन से प्लस टू और जीरो में चला गया, है ना, प्लस वन से प्लस टू और जीरो में चला गया, इसका जीरो ऑक्सीडेशन स्टेट होगा कॉपर का। अब यहाँ पे डी ब्लॉक की बातें हैं तो सराउंडिंग की बातें यदि डिस्कस करें तो आपका यही हो गया कि कॉपर प्लस टू जब बनता है, देखो कॉपर प्लस वन जब वाटर में रहेगा तो क्या है कि वहां पे क्या है कि कॉपर प्लस वन से प्लस टू बन गया, मान लो कॉपर प्लस वन से प्लस टू बन गया, तो प्लस टू का हाइड्रेशन ज्यादा होगा, चार्ज ज्यादा है तो उसको ज्यादा वाटर आके मतलब कि सराउंड करेंगे, ठीक है। वाटर क्यों सराउंड कर रहे हैं, चार्ज देख के तो सराउंड कर रहे हैं क्योंकि वाटर पोलर है, क्योंकि वाटर पोलर है, उसको चार्ज दिखेगा वो आके इसको सराउंड कर देगा। NaCl को जब आप पानी में डालते हो तो क्यों टूट जाता है, जब आप साल्ट को वाटर में डालते हो तो Na+ और Cl- में क्यों टूट जाता है, पहली बात तो वाटर का डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट 80 होता है, डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट है तो वो चार्ज को सेपरेट कर देता है, ठीक है, बॉन्ड को तोड़ देता है। उसके बाद Na+ को भी वाटर पोलर मॉलिक्यूल सराउंड कर दिया, Cl- को भी सराउंड कर दिया, अब ये दोनों पास में नहीं आएंगे, NaCl वापस से वहां पे नहीं बनेगा। एस ब्लॉक में एक बात लिखी हुई थी कि आप 36 ग्राम से ज्यादा NaCl पानी में नहीं घोल सकते हो रूम टेम्परेचर पे, तो ये सब चीजें तो अब एस ब्लॉक नहीं है, ठीक है। उसके बाद कॉपर प्लस टू जब आप बनेगा तो वो हाइड्रेशन होगा उसका, तो प्लस वन से उसका ज्यादा हाइड्रेशन होगा, मोर चार्ज मोर हाइड्रेशन, है ना, तो कॉपर प्लस टू ज्यादा हाइड्रेशन होगा, और कॉपर प्लस वन से जब प्लस टू में बनेगा तो उसको आयोनाइजेशन एनर्जी चाहिए इलेक्ट्रॉन को बाहर निकालने के लिए, कॉपर प्लस वन से एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा तभी तो कॉपर प्लस टू बनेगा। तो कॉपर प्लस वन से प्लस टू जब बनेगा, यहां पे देखो कॉपर प्लस वन से जब एक इलेक्ट्रॉन निकालेगा और कॉपर प्लस टू बन जाएगा, एक इलेक्ट्रॉन बाहर निकाला, तो इसको आपने क्या क्या दिया, इसको आपने आयनाइजेशन एनर्जी दिया कि जाओ तुम कॉपर प्लस टू बनो, इसको आयनाइजेशन एनर्जी चाहिए, और कॉपर प्लस टू जब बनेगा तो इसका हाइड्रेशन होगा, तो हाइड्रेशन इसका ज्यादा होता है, ठीक है, हाइड्रेशन इसका बहुत, हाइड्रेशन एनर्जी, हाइड्रेशन होगा तो एनर्जी रिलीज होगी, तो हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, ये एनसीईआरटी की लाइन है, है ना, हाइड्रेशन एनर्जी ज्यादा रिलीज होती है जो कि आयनाइजेशन एनर्जी को कंपनसेट कर देती है, ठीक है। जैसे कि मान लो इसमें से इसका जब हाइड्रेशन हुआ तो एनर्जी निकली 50, ठीक, अब आयनाइजेशन के लिए इसको चाहिए थी 30 की ही एनर्जी, तो क्या होगा, एनर्जी निकली एक मॉलिक्यूल हाइड्रोजन, इतनी एनर्जी निकल गई कि जल्दी जल्दी सारे के सारे कॉपर प्लस वन प्लस टू में कन्वर्ट हो गए, है ना। तो यही चीज लिखा है कि मोर स्टेबल इन कॉपर प्लस टू इज मोर स्टेबल इन एक्वस मीडिया, क्योंकि क्योंकि इसका हाइड्रेशन एनर्जी जो कॉपर प्लस टू पे जो रिलीज हो रही है वो बहुत ज्यादा है आयनाइजेशन एनर्जी टू ऑफ कॉपर, मतलब कॉपर प्लस वन से जब प्लस टू बनेगा तो उसकी सेकंड आयनाइजेशन एनर्जी हेतु होगी वो, ठीक है। तो ये लाइन समझा दिया मैंने यहाँ पे सराउंडिंग से। उसके बाद दो मेटल आप याद रख लो, ये वाले जो कि क्वेश्चन में पूछा था, तो गैलियम और इंडियम। अब देख एक चीज है, गैलियम और इंडियम, ठीक है, ये क्या है प्लस वन में है, हाँ प्लस वन में है, तो ये जब डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे तो किस में होंगे, ग्रुप 13 या तो प्लस वन में रहेगा या तो प्लस थ्री में रहेगा, ठीक है। ग्रुप 13 किस में रहेगा, प्लस वन में रहेगा मिनिमम और प्लस थ्री में रहेगा, प्लस वन में रहेगा और प्लस थ्री में रहेगा, या तो गैलियम जीरो में रहेगा, तो इसका मिनिमम क्या हो गया जीरो, और देखो ये इंटरमीडिएट हो गया ना, ये प्लस वन वाला तो इंटरमीडिएट हो गया, तो इंटरमीडिएट वाला डिस्प्रोपोर्शनेट होगा प्लस थ्री और जीरो में, प्लस थ्री और जीरो में, तो ये दोनों आप यहां से याद रख लो, मेटल्स भी डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक। इसके बाद पी ब्लॉक से ये वाली तो मैंने बता दी कि क्लोरीन
विथ हॉट एंड कंसेंट्रेटेड NaOH। उसके बाद फास्फोरस का एक तो यहाँ पे दिया है रेडॉक्स रिएक्शन में कि P4 PH3 और सोडियम हाइपोफास्फाइट में कन्वर्ट होता है, ठीक है, P4 PH3 और हाइपोफास्फाइट में कन्वर्ट होता है, डिस्प्रोपोर्शनेट होता है, जो कि फॉस्फिन के प्रिपरेशन में भी पी ब्लॉक में रिएक्शन दिया है। उसके बाद पी ब्लॉक में एक और रिएक्शन दिया है कि H3PO3 फास्फोरस का ऑक्जो एसिड H3PO3 जो कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट में कितने में है, 6+3 में है, ठीक है, अच्छा +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, जो जा कह रहा है 8+3+5 और -3 जो कि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट है +3, वो ऑक्जो एसिड है फास्फोरस का H3PO3 जो कि फास्फोरिक एसिड और फास्फीन में जा रहा है, ठीक है, लोएस्ट -3 में और हाईएस्ट +5 में, ठीक है, एक ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको यहां से याद रखनी है। उसके बाद सल्फर का एसेट जो कि प्योर मॉलिक्यूल है, मतलब प्योर सल्फर है, वो बेस के प्रेजेंस में सल्फाइड और H2O3 में जा रहा था, यहाँ पे एक रिएक्शन दी हुई है। और पी ब्लॉक में एक रिएक्शन दी हुई है कि जो डाइमेरिक हैलाइड्स ऑफ ग्रुप 16 एलिमेंट है, ठीक है, सल्फर का भी और उसके साथ इसका सेलेनियम का भी, जैसे कि H2F2 H2Cl2 H2Br2 सेलेनियम क्लोराइड Sc2Cl2 डाइमर है Sc2Br2, ठीक है, डाइमेरिक हैलाइड क्लोरीन फ्लोरीन के साथ, ये डाइमेरिक हैलाइड जो है ये डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, जैसे कि Sc2Cl2 है वो डिस्प्रोपोर्शनेट होगा SCCl4 और सेलेनियम में, वैसे ही आपका जैसे कि Sc2Cl2 ये तो यहां पे बता दिया, ये तो यहाँ पे बता दिया, जैसे कि मान लो आप H2Br2 भी ले लो तो ऐसे ही सारे डिस्प्रोपोर्शनेट होंगे, जैसे Sc2Cl2 से SCCl4 बना तो वैसे H2Br2 से SBr4, ठीक है, ये बन जाएगा और सल्फर बन जाएगा। तो आपको ये याद रखना है कि डाइमेरिक हैलाइड भी डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, ठीक। उसके बाद ये वाली रिएक्शन मैंने बता दी, उसके बाद डी ब्लॉक से ये वाली रिएक्शन मैंने बता दी, उसके बाद डी ब्लॉक के एग्जाम्पल में आपको ये वाली रिएक्शन दी हुई है कि MnO2 MnO4, ठीक है, MnO4 2- K2MnO4, ठीक है, यानी ये क्या हो गया, पोटेशियम मैग्नेट की पर मैग्नेट, KMnO4 तो पर मैग्नेट होता है, MnO4- पर मैग्नेट होता है, तो MnO4 2- जो मैग्नेट आयन है वो MnO4 2- पर मैग्नेट में, वो जो मैग्नेट आयन है MnO4 2-, इसका एक बार नाम देख लेना, मैग्नेट ही बोलते हैं ना, MnO4 2- मैग्नेट आयन MnO4- पर मैग्नेट में कन्वर्ट होता है और MnO2 में और वाटर में, ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन आपको एग्जाम्पल में दिया हुआ है डी ब्लॉक के। फिर उसके बाद यही ये रिएक्शन आपको मतलब कि यहाँ पे आयनिक फॉर्म में है और मतलब कि फुल रिएक्शन में आपको KMnO4 की प्रिपरेशन में दिया है कि जो ये K2 ये वाला रिएक्शन यही है कि ये K2MnO4 पोटेशियम मैग्नेट इन एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया कन्वर्ट इनटू पर मैग्नेट MnO2 एंड वाटर, तो ये दोनों सेम रिएक्शन है, ठीक है, सेम एक आयनिक फॉर्म में है, तो दो जगह ये रिएक्शन दिया है, तो ये भी इंपॉर्टेंट हो जाता है जो आपको याद रखना चाहिए डिस्प्रोपोर्शनेशन में, ये रिएक्शन KMnO4 की प्रिपरेशन में पहले दिया है कि MnO2 बेस के साथ रिएक्ट करके K2MnO4 बनाएगा, ठीक है, MnO2 बेस के साथ रिएक्ट करके मैग्नेट बनाएगा, पोटेशियम मैग्नेट, फिर पोटेशियम मैग्नेट जो है वो एसिडिक या न्यूट्रल मीडिया में वापस से MnO2 से देखो ये बना था, वापस से MnO2 और पोटेशियम पर मैग्नेट में दे देगा, तो ये रिएक्शन आपको याद ही रखनी है, तो आपको पता होना चाहिए कि ये डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन है। इसके बाद लास्ट में मेरे को यहाँ पे कवर करना है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में आपको कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेशन रिएक्शन दिया है, तो भैया एक ही रिएक्शन ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पूरे दिया है, कैनिजारो रिएक्शन, ठीक है, कैनिजारो रिएक्शन, ये आपको पता भी होगा कि एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन, देखो जिनके पास अल्फा हाइड्रोजन होता है वो एल्डोल कंडेंसेशन देते हैं, एल्डोल पे यदि वीडियो चाहिए तो बताओ, जिनके पास देखो एल्डोल और कैनिजारो में असर्शन रीजन और स्टेटमेंट में आपसे पूछ सकता है क्वेश्चन कि आपका जो एल्डोल है एल्डिहाइड जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन होगा, एल्डिहाइड हैविंग अल्फा हाइड्रोजन गिव एल्डोल कंडेंसेशन और एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली, वो भी स्ट्रॉन्ग एल्कली के साथ एल्डोल देता है विथ हैविंग अल्फा हाइड्रोजन वाला, एल्डिहाइड लैकिंग अल्फा हाइड्रोजन अंडरगो डिस्प्रोपोर्शनेशन विथ स्ट्रॉन्ग एल्कली टू गिव अल्कोहल एंड एसिड। अब देख एल्डिहाइड क्या है, एल्डिहाइड एक बीच का प्रोडक्ट है जो कि यदि उसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं होगा तो उसका ऑक्सीडेशन होगा तो वो एसिड देगा, रिडक्शन होगा तो अल्कोहल देगा, मैंने अच्छे से बताया कि एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड देता है और अल्कोहल ऑक्सीडाइज होकर एल्डिहाइड बनाता है, मतलब एल्डिहाइड रिड्यूस होकर अल्कोहल बनाएगा और एल्डिहाइड ऑक्सीडाइज होकर एसिड बनाएगा, तो अब ये एल्डिहाइड है तो ये ऑक्सीडेशन रिडक्शन दोनों दे सकता है, तो डिस्प्रोपोर्शनेट होता है एसिड और अल्कोहल में, जो कि आपको यहाँ पे पूरा कैनिजारो ही कवर हो गया कि जैसे कि ये आपका क्या है बेंजल डिहाइड। अब इसके पास यहाँ पे अल्फा कार्बन पे कहाँ हाइड्रोजन है, 1, 2, 3, 4 चारों बॉन्ड इसके कवर, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये बेस के साथ क्या दे देगा, एक अल्कोहल दे देगा और एक एसिड दे देगा। फॉर्मल डिहाइड, इसके पास अल्फा हाइड्रोजन नहीं है तो ये क्या दे देगा, एक अल्कोहल दे देगा,
क्या हो गया, मिथेनॉल और एक एसिड दे देगा। एसिड है तो यहाँ पे हाइड्रोजन निकल के NaOH है, देखो यार बेस, जब भी बेस रहेगा तो वो क्या हाइड्रोजन को रिप्लेस करके अपने आके रिएक्ट कर जाएगा। आगे आपको ऑर्गेनिक के जो सिमिलर रिएक्शन है उसमें मैं कहीं ना कहीं बताया हूँ या बताऊंगा, है ना, बताऊंगा ही, अभी अभी नहीं बताया हूँ तो ठीक है। अच्छा यहाँ पे मैंने तीन रिएजेंट क्यों लिखे थे, क्योंकि मैं से एक बार गलती कराई गई थी। देखो कंसेंट्रेटेड NaOH में काफ़ी बार पढ़ा, कंसेंट्रेटेड KOH भी था। एक बार मेरे से ना एग्जाम में क्वेश्चन आ गया एल्डोल का, उसमें उसने एक एल्डिहाइड लिया, उसमें उसने कंसेंट्रेटेड बेरियम हाइड्रोक्साइड यूज कर लिया। अब मेरा दिमाग ही नहीं काम कर रहा है कि भैया ये बेस है, एल्डिहाइड में स्ट्रॉन्ग बेस यूज कर रहा हूँ तो एल्डोल कराना है, तो इसीलिए थोड़ा सा रिएक्टेंट में इधर उधर सोचना पड़ता है। तो इसीलिए इन्हीं सब चीज़ों को क्लियर करने के लिए मैंने ऑर्गेनिक में सिमिलर लुकिंग रिएक्शन वाली जो सीरीज स्टार्ट की है उसको आप जरूर से देखो, काफ़ी सारी ऑर्गेनिक आपके वहाँ से क्लियर हो जाएगी, ठीक है। तो इसके बाद लास्ट में, वीडियो काफ़ी लंबी हो गई है, इसके बाद लास्ट में वही है, एक क्वेश्चन में रख दिया हूँ कि विच विल नॉट डिस्प्रोपोर्शनेट, NCERT का क्वेश्चन है, एवरी थिंग इज NCERT अवेलेबल हियर। तो देखो कौन सा डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट निकालो, तो CLO माइनस में कितना हो गया, X-2 = -1, X = +1, यहाँ पे +1 में है, यहाँ पे 4 1, यहाँ पे +3 में है, यहाँ पे 6 1, +5 में है, और यहाँ पे 8 1, +7 में है। तो कौन डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, तो भैया देखो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ये तो अभी जीरो में जा सकता है ना, अभी तो क्लोरीन का जीरो भी हो सकता है Cl2, तो ये हायर ऑक्सीडेशन स्टेट में है, तो अब ये क्या है कि ये इंटरमीडिएट वाला नहीं है, इंटरमीडिएट वाले ही आपके डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं, जैसे कि Cl- है तो ये ClO3- और Cl- में चला जाएगा, ठीक है। -1 में ये +1 से क्या -1 में भी जा सकता है, और क्या 6 और 1, +5 में भी जा सकता है, ठीक है, -1 और +5 में चला गया, ठीक है। उसके बाद ClO2- है तो ये किसमें, ClO3- और Cl- में चला जाएगा, डिस्प्रोपोर्शनेट हो जाएगा। ClO3- जो है ये ClO4- और Cl- में चला जाएगा, ठीक। ये सब NCERT में दिया हुआ है, शायद क्वेश्चन में दिया हुआ है, इन टेक्स्ट क्वेश्चन में, और ये हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट है, तो ये भैया डिस्प्रोपोर्शनेट नहीं होगा, तो यही आपका आंसर हो जाएगा, ठीक, क्योंकि इंटरमीडिएट ऑक्सीडेशन स्टेट वाले ही डिस्प्रोपोर्शनेट होते हैं। तो यहाँ पे हम लोग अपना आज ये डिस्प्रोपोर्शनेशन वाला रिएक्शन खत्म करते हैं, जिसमें कि मैंने ढेर सारे रिएक्शन, एक टाइप के रिएक्शन पूरी केमिस्ट्री से आपके कवर कर दिए, है ना। तो अच्छाई इसी में है कि एक तरीके के रिएक्शन या एक टाइप की चीज़ें एक जगह करके याद कर ली जाए, ठीक है। इधर से मतलब कि हर चीज़ को तोड़ तोड़ के यहाँ वहाँ वहाँ का यहाँ हर जगह रटना, ये अच्छी बात नहीं है, याद भी नहीं होता है, भूल भी जाता है, कुछ कॉन्सेप्ट भी नहीं बनता है, तो इसीलिए यहाँ पे चीज़ों को मैंने समराइज कर दिया। तो इतनी चीज़ें आपको जाननी चाहिए, और ये सारे रिएक्शन काफ़ी इधर उधर रिपीटेड भी हैं, तो आप एक पेज पे लिख लो, जिनके 10-12 रिएक्शन आएंगे उसमें से भी 3-4 रिएक्शन जो है एक ही टाइप के आपको मिल जाएंगे। जैसे यहाँ पे क्लोरीन ब्रोमीन आयोडीन इंपॉर्टेंट है, फ्लोरीन नहीं डिस्प्रोपोर्शनेट करता। फिर उसके बाद MN3 वाला देखो 2 बार लिखा है, गैलियम इंडियम का एक ही टाइप का है, कॉपर वाला भी 2 बार लिखा है, एक बार यहाँ पे और एक बार यहाँ पे, ठीक है। और ये क्लोरीन वाला ये तो पता ही है, तो ये भी दो यहाँ पे भी है, 2 बार और है, तो सबको एक जगह लिख लो, थोड़ा सा ही बनेगा आपका, सबको एक जगह लिख लो, पढ़ लो, याद कर लो, ठीक है। अच्छे से पढ़ो, थोड़ा स्ट्रेटजी से पढ़ो, थोड़ा अपने तरीके से पढ़ो, तरीकों को इम्प्रूव करो, ठीक है, और याद करते रहो, पढ़ते रहो, लास्ट का समय छोटा छोटा वीडियो ऐसे ही आता रहेगा, देखते रहो, याद करते रहो, ठीक है, सेलेक्ट हो जाओगे। थैंक यू।